सुनिए आपने आवाज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मार्केट में बहुत ही महंगा मिलने वाला और बच्चों की पहली पसंद फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए आपको वीडियो को फुल्ली वॉच करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट टिप्स और छोटी छोटी सी ट्रिक, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो हर बार आपके पोटैटो फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। और इसको बनाना बहुत बहुत आसान है, बस छोटी छोटी सी ट्रिक है, तो आप इसे फॉलो कीजिए और फुल्ली वॉच कीजिए वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगती है दोस्तों, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर क्रिस्पी और सुपर यमी इस फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कच्चे आलू। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ले लिया है एक चॉपिंग बोर्ड की, काटना आसानी हो जाए इस टाइप से हम कट करेंगे। काटने का तरीका आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से इसकी कटिंग हो चुकी है और इसका शेप भी कितना अच्छा आया है, एकदम मार्केट स्टाइल। तो इस टाइप से हम कटिंग कर लेंगे और ये जो बचा हुआ आलू है इसको भी आप फेंके नहीं, इससे आप उबाल के आलू पराठा बना सकते हो। तो दूसरे आलू को भी हम सेम इसी तरह से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसे 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे वॉश करना अच्छे से बहुत जरूरी है कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। देखिए पानी बिल्कुल साफ है। बहुत ही जरूरी पॉइंट यहाँ रख दिया है, 2 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो आप देख सकते हो पानी में बढ़िया उबाल आ रहा है। इसी स्टेज पे हम अपने आलू को डाल देंगे और खुले ही बिना ढके इसे बस घड़ी देख के 2 मिनट पकाना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। फटाफट से इसे हम निकाल लेंगे 2 मिनट बाद। 2 मिनट हो चुके हैं, फटाफट से अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे फ्रेंच फ्राइज को इस टाइप से मैंने किचन टावल पर निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से फैला दिया है कि इसका मॉइस्चर सारा खत्म हो जाए। थोड़ी देर इसी तरह से फैला रहने दें। बस 5 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हो ये कितने अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसको और भी क्रिस्पी कुरकुरा बनाने के लिए चावल का आटा, 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हो। बढ़िया से मिला लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से। सो गाइज, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है उसे आप प्रेस कर सकते हो, इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर आप इस रेसिपी को अभी नहीं बनाना चाहते, बाद में खाना चाहते हो, इसे मतलब कि रखना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, तो आप इस स्टेज पे क्या करें, एक जिपलॉक पॉलिथीन ले लीजिए और इसमें इसको फिल करके आप रख सकते हो फ्रीजर में, तो ये 15 से 20 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और जब भी मन करे इसे निकालिए, फ्राई करिए और इंजॉय कीजिए। अब इधर हमारा ऑयल भी अच्छा गर्म हो चुका है, जैसे पकौड़ों के लिए हम तेल को एकदम अच्छा गर्म करते हैं उसी टाइप से ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। अब हम अपने फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करेंगे, तो एक बार में ज्यादा नहीं डालेंगे। छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताती जा रही हूँ फ्रेंड, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके फ्रेंच फ्राइज हमेशा ही परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। कलर भी इसका बहुत ही परफेक्ट एकदम ऑसम सा आ रहा है। अब निकाल लेंगे, इससे ज्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सारे फ्रेंच फ्राइज को हम फ्राई कर लेते हैं। अपने फ्रेंच फ्राइज को और भी चटपटा बनाने के लिए जाएगा इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक और अगर आप चाहो तो हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर। टॉस करेंगे
फाइनली तैयार है दोस्तों बहुत ही टेस्टी चटपटा फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की ये रेसिपी आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली में इस रेसिपी को शेयर कीजिए और रेसिपी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ इसी टाइप की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।